दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। अगर आपको मौका मिला है सुनने का हासले जिनू का पार्ट वन, उसमें मैंने बताया था कि ये किताब मेरे हाथ लगी थी 1994 में दिलदार भाई के इस दुनिया से जाने के बाद। ये शायरी लिखी हुई है अंजुम यूसुफी ने और ये किताब उन्होंने खुद दी थी भाई को। हाथ से इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जो कि आपको पिछली पॉडकास्ट में बताया था। इसके अलावा हमने आपको बताया था दिबाचा जो कि लिखा हुआ था डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाजी का, वो भी अब इस साल इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ऐसे करते हैं कि उसका सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लिखते हैं, अंजुम यूसुफी साहब समझते हैं जैसे शायर और अदीब इस माशरे में रहते हुए भी एक अनोखी और आला मखलूक हैं। आगे लिखते हैं, अंजुम यूसुफी साहब अलीगढ़ के रहने वाले हैं फिर भी वो अपने नाम के साथ अलग नहीं लगा लिखते, जबकि हमारे यहाँ लोग अपने नाम के साथ देहलवी, बरेलवी, लखनवी लिखना एजाज समझते हैं। मैंने एक लड़के से पूछा कि वो अपने नाम के साथ लखनवी क्यों लिखता है, तो उसने कहा कि मेरे अब्बा की शादी लखनऊ में हुई थी, अलीगढ़ कॉलेज की वजह से, और अलीगढ़ कॉलेज अलीगढ़ तहरीक की वजह से मशहूर हुआ। अंजुम यूसुफी साहब अलीगढ़ कॉलेज में ना पढ़ सके मगर अलीगढ़ तहरीक में ज़रूर शामिल हुए। अलीगढ़ तहरीक असल में तहरीक पाकिस्तान का दिबाचा है। मैं आज अंजुम यूसुफी साहब के नाम के साथ अलग का इजाफा करके खुशी महसूस करता हूँ। तहरीक पाकिस्तान के साथ अंजुम यूसुफी साहब का ताल्लुक बड़ा गहरा है। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में पाकिस्तान बन रहा था, जबकि अब कुछ लोग पाकिस्तान में हिंदुस्तान बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। आपने ध्यान दिया कितनी ज़बरदस्त बात कर दी डॉक्टर साहब ने यहाँ पर। अंजुम यूसुफी साहब ने इन दिनों जलसे जुलूसों में शिरकत की, बेपनाह तकलीफ़ें उठाईं और बिलाखिर हिजरत फरमाई। इन्हें मालूम था कि इनके कदमों के नीचे जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के नक्शे में शामिल नहीं है, इसके बावजूद वो पाकिस्तानी और पाकिस्तान के सच्चे और पुरजोश हामी थे। जो सियासी दानिश्वर समझते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान सिर्फ मुआशी ज़रूरत था, उन्हें एक दफ़ा अंजुम यूसुफी साहब से ज़रूर मिल लेना चाहिए। आज भी अंजुम यूसुफी साहब के लिए पाकिस्तान सिर्फ खिताए अर्ज ही नहीं, खिताए गैरत भी है। अंजुम यूसुफी साहब तहरीक के दौरान ज़ख्मी हो गए, खैर ज़ख्मी होने का तो उन्हें शौक़ भी है। इसका सबूत यह है कि वो अब तक शायरी कर रहे हैं और शायरी मेरे नज़दीक दर्द व गम शुमार करने का नाम है, अगरचे आज तक कोई उन्हें शुमार नहीं कर सका। मीर ने कहा, दर्द व गम किए जमा तो दीवान क्या। तहरीक के दौरान अंजुम साहब की कमर टूट गई थी और अब उनका दिल टूट गया है। क़याम पाकिस्तान के वक्त वो जिंदाबाद के नारे लगाते थे, अब आह फगां और नाले बुलंद करते हैं। तब उन्होंने अपना खून बहाया था, अब आंसू बहाते हैं। वो खून और आग का दरिया अबूर करके आए थे मगर अब उनके सामने मायूसी की एक दलदल है। वो आखिर शायर ना बनते तो और क्या करते। उन्होंने तो खून और आंसुओं को यकजा करके लफ्ज़ बनाए हैं। उनकी शायरी में सोज़ो गुदास की एक गहरी कैफियत पढ़ने वाले को महसूस होती है। अंजुम यूसुफी साहब को देखें तो उनका वजूद गठड़ी की तरह लगता है। ये गठड़ी कुर्बानियों की निशानियों से भरी हुई है। खून की छींटों और आंसुओं की आबोताब जब आदमी के एहसास और जो उसमें रल मिल जाती है तो उसका वजूद जज्बों का गुलशन बन जाता है। अंजुम यूसुफी साहब को खुशबूदार लोग अच्छे लगते हैं। खुशबू कहीं हो, किसी के पास हो, वो उसे अपनी दौलत समझते हैं। उन्होंने हसूले रिस्क के लिए जो कारोबार किया वो ऐसा ही कारोबार था जैसे फैज़ अहमद फैज़ ने गुलशन का कारोबार किया था। बहुत अरसा खुशबूयात की मसनूआत बनाने वाली एक दुकान पर काम किया। इब्तदा में 1 रुपया रोज़ मिलता था और खुशबू सूंघने की आम इजाज़त थी। उन्होंने वहाँ खुशबूयात की रिसर्च भी शुरू कर दी। कहता हूँ कि सच्ची ख्वाहिश भी खुशबू है और हर आदमी कम से कम ये खुशबू तो हासिल कर ही सकता है। अंजुम यूसुफी साहब ने बिलाखिर ये पा लिया कि गुलाब के फूल से खुशबू आती है तो गुलाब के फूल की तस्वीर से भी खुशबू आती है। उनके ख्याल में खुशबू आवाज़ की लहरों की तरह से एक लहर है, खुशबू से लहरें भी निकलती हैं। अंजुम यूसुफी साहब ने लहरों को ठाठे मारता हुआ दरिया बनाने की कोशिश की है। एक मशहूर गीत का मिसरा है, जो तूने छू लिया खिला गुलाब की तरह मेरा बदन। मगर बात शायरी की दहलीज पर आन रुकी कि असल खुशबू तो मोहब्बत की है।
खुशबू की तरह मोहब्बत को भी छुपाया नहीं जा सकता। एक अतार के पर्दे में गज़ल ख्वान निकला, तस्वीर के पर्दे में भी उरियान निकला। जब अंजम यूसफी साहब लाहौर के पक्के दोस्त बने तो वो यहाँ खुशबू फरोख्त भी करते रहे और खुशबू खैरात भी करते हैं। अंजम यूसफी साहब से सिर्फ इतना कहूँगा कि एक ना एक दिन खुशबू चारों तरफ फैल जाया करती है। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जहाँ से गुजर जाएं कई कई दिनों तक सारा रास्ता महकता रहता है। कौन किसकी महक महसूस करता है ये अपने अपने नसीब की बात है। अंजम यूसफी साहब को हैरानियाँ भी बहुत नसीब हुई हैं, मगर परेशानियाँ भी उनके पीछे लगी हुई हैं। अब मैं इस बात की तफसील क्या बयान करूँ, उनका ये शेर बहुत सारी अनकही बातों का राज खोल रहा है। ये महफिल हसीं ये चमन छोड़ जाऊँगा, मजबूर हो गया हूँ वतन छोड़ जाऊँगा। अंजम यूसफी साहब ने पाकिस्तान में हिजरत की थी, अब सोचने की बात यह है कि वो यहाँ से हिजरत करने पर अपने आप को क्यों मजबूर महसूस करते हैं। अगर फिर एक तसल्ली सी उनकी आँखों में जगमगाती है और वो अपने बारे में लोगों को इतना कसूरवार नहीं समझते कि अब तो ज़माना ही ऐसा आ गया है, रहेगी याद किसे आपकी गज़ल अंजम, यहाँ तो लोग खुदा का कलाम भूल गए। वाह, अंजम यूसफी साहब की शायरी शायद किसी भूली हुई बात की याद दहानी की तरह है। अंजम यूसफी साहब ने अपने शेरी मजमूए का नाम हासले जुनून बहुत सोच समझ कर रखा है। महसूस करने वाले तख्लीकी आदमियों को जो कुछ हासिल होता है जुनून से हासिल होता है। असल में लाहासिल ही असल मदा है। ये शायरी अंजम यूसफी साहब की उम्र भर की कमाई है। अंजम साहब इस मजमूए की अशात पर हर लिहाज से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो शायरी की पहली सफ में आन खड़े हुए हैं। वो उन लोगों से किस कदर मुनफरद और मुमताज़ हैं जो सिर्फ सफारा होना ही जानते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। अगर आपको ये किताब हाथ लगे तो आप ज़रूर पढ़िए। लेकिन उर्दू अदब की पॉडकास्ट शुरू ही इसीलिए की थी ताकि ऐसी किताबें, ऐसी शायरी, ऐसे मज़मून, ऐसे इक्तबास जो ख़ास तौर पर नई नस्ल को सुनने को पढ़ने को नहीं मिले, तो पॉडकास्ट के ज़रिए कुछ ना कुछ एक सतर, एक शेर, एक मिसरा पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब चलते हैं कुछ अशार की तरफ। अंजम यूसफी की लिखी हुई शायरी उनकी किताब हासले जुनून से। तेरे जाने के बाद उफ ये सकूत, आरजुएं भी हम कलाम नहीं। मंजिलों सामने से हट जाओ, वहशियों का कोई मकाम नहीं। यूं ना देखो हकीर नज़रों से, ये मेरी ज़िंदगी है जाम नहीं। अपने आंसू संभाल कर रखिए, किस्सा गम अभी तमाम नहीं। वो मुझे दुश्मनों में गिनते हैं, खैर से अब मैं बेमकाम नहीं। वो तुझको जिससे प्यार उसे तो बुरा लगे, ऐसा ना हो ये तुझको मेरी बददुआ लगे। ये सुनकर आपको एक बहुत पुराना गीत याद आ जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूर याद आ जाएगा, ख़ास तौर पे अगर आपने वो फिल्म भी देखी हो। वो तुझको जिससे प्यार उसे तो बुरा लगे, ऐसा ना हो ये तुझको मेरी बददुआ लगे। मेरी तरह से तू भी सुकून ढूंढता फिरे, जाए निशात भी तुझे करबो बला लगे। आँखों से तेरी नींद खुदावंद छीन ले, दिल का सुकून भी तुझे दिल से जुदा लगे। ऐ मेरे मेहरबान खुदा यूँ भी हो कभी, मुझको बुरा कहे कोई उसको बुरा लगे। ऐ काश रूनमा हो कोई ऐसा मौजज़ा, मेरा कसूर भी उसे अपनी खता लगे। इतना गरूर इतना तकबर न कीजिए, इंसान तो क्या खुदा को भी इसका बुरा लगे। नफ़रत कहूँ के उसको मोहब्बत का नाम दूँ, सीने में एक अलाव सा दहका हुआ लगे। अपना है कौन कौन पराया है शहर में, नादा हो कोई तो उसे क्या पता लगे। अगली पॉडकास्ट में कुछ और मशहूर लोगों के ख्यालात अंजम यूसफी के और उनकी शायरी के बारे में, और इसके अलावा अंजम यूसफी की शायरी से आपको मुतारफ़ करवाएंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।